Hello my dear students, once again welcome to my channel Corisol. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you one word. Student, जैसे आपको पता ही है कि हमारी वन वर्ड की सीरीज चल रही है और हमारा ग्रामर का पोर्शन एक अलग चल रहा है, तो हमारा जो वोकैब वाला सेशन था तो मैंने बताया था आपको मैं इसके आपके वन वर्ड कराऊंगा कि आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो आपके वन वर्ड हैं स्टूडेंट, ये आपके जो प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं पिछले उनके आए हुए हैं, तो आप वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट वन वर्ड आपका ए ऑनी फ्रेम वर्क ऑफ द बॉडी। इसका मीन्स होता है, वॉनी मीन्स क्या होता है, वन से बना आपका वॉनी, यानी जो हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको बोला जाता है वन। तो उसी का जो फ्रेम होता है हड्डियों का उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका स्कल स्टोन, यानी उसको हम आपका कंकाल बोलते हैं। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग इन बीच सोल्जर आर ले, उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका बैरक। बैरक मीन्स क्या होता है, छावनी, जहाँ पर आपके जो सेना के जवान हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है, वहाँ पर वो रहते हैं। नेक्स्ट है देन कांट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके। हर्ड मीन्स क्या होता है, हियर से बना है आपका हियर, सुना, तो उसको बोला जाता है ऑडियोबल। और जिसको ना सुना जाए उसको बोलते हैं अन यानी इनऑडियोबल। नेक्स्ट आपका देन कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं विजुअल यानी दृष्टिगोचर। नेक्स्ट इज चेंज इन शेप साइज एप्रेशंस इन क्वालिटी, इसको बोलते हैं स्टूडेंट को। मान लीजिए आपकी कोई भी पेन है तो आपने देखा होगा कि पेन तो होती है लेकिन उनमें क्या स्ट्रक्चर अलग होते हैं, यानी चेंज इन द शेप यानी किसी की भी आकृति में चेंज करना, साइज में करना, उनके अपीयरेंस यानी उनके और उनकी क्वालिटी में, उसको बोला जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसको हम स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट ए कंपनी ऑफ पर्सन सच एज पिलग्रिम्स मर्चेंट्स मेकिंग ए जर्नी टुगेदर फॉर सेफ्टी, इसका उसको बोला जाता है सुन आपका कॉर्नबैन, यानी उसको हम काफिला बोलते हैं। इसका मीन्स ये हो गया स्टूडेंट, कुछ लोगों का क्या है, एक ग्रुप होता है जिसमें हम बात करें आपके व्यापारी हो सकते हैं या जो धार्मिक यात्राओं पर जो निकलते हैं पदयात्री जो होते हैं उनका एक जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है कॉर्नबैन, यानी उसको हम आपका काफिला कहते हैं। नेक्स्ट है प्लान एंड प्रोमिसेस विच आर डिक्लेयर्ड बाई ए कैंडिडेट बिफोर द पीपल इन इलेक्शन, इसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका मैनिफेस्टो, यानी उसको हम घोषणा पत्र कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आप भी जो फॉर्म भरते हो तो उसमें नीचे लिखा हुआ होता है कि मतलब आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, कि मैं ये सब कुछ क्या है, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी फॉर्म में जो भी अपने डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ वो क्या है, मेरे सब कुछ सही है, अगर मैं कहीं भी गलत पाया जाता हूँ तो मेरे कानून कार्रवाई की जाएगी। तो ये वही सेम होता है फ्रेंड, क्योंकि जो कोई व्यक्ति क्या है इलेक्शन में मतलब इलेक्शन लड़ रहा होता है तो क्या उसको एक शपथ पत्र बनाया जाता है जिसको बोला जाता है आपका मैनिफेस्टो। नेक्स्ट है आपका ए डिसीज दैट इज फाउंड रेगुलरली इन ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि एक विशेष क्षेत्र में एक तरह की जो बीमारी पाई जाती है एक स्थान पर उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका एंडेमिक। नेक्स्ट है डिसीज दैट इफेक्ट मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसको हम स्टूडेंट आपका हम महामारी बोल सकते हैं, या एक संक्रामक रोग होता है, यानी एक से एक दूसरे में यानी संपर्क में जैसे कोई किसी के माता है यानी वो इफेक्टेड हो जाता है और वो भी बीमार हो जाता है, उसको बोलते हैं महामारी, उसको बोलते हैं आपका एपिडेमिक। जैसे कि आपका इस टाइम क्या है आपका हम बात करें आपके स्टूडेंट जैसे विश्वव्यापी आपकी ये आपकी COVID-19 जो परेशानी है यानी जो आपकी महामारी है कोरोना वायरस की, तो वो क्या है आपकी एपिडेमिक घोषित कर दी गई है WHO के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डिसीज दैट कॉज डेथ, यानी कि जिससे इंसान क्या मर जाता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट फैटल, यानी वो घातक बीमारी जो होती है जैसे कैंसर आपका और भी अदर डिसीज जैसे इस टाइम आपकी COVID-19 है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ सी ऑफ फॉल, इसको बोलते हैं स्टूडेंट पैगविन, ये क्या होता है एक समुद्री क्या है एक बगुला होता है जो आपने देखा हो जो बर्फी इलाके वगैरह होते हैं पेंगुइन होती है ये, उसको हम समुद्री बगुला बोलते हैं, एक काइंड ऑफ सी फॉल, और मीन्स क्या होता है स्टूडेंट बगुला। नेक्स्ट ए डिसीज वाइडली एपिडेमिक, ये क्या होता है यानी किसी भी देश में जैसे बीमारी आपकी फैल जाती है उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम पैंडमिक, यानी देशव्यापी हमारी यानी केवल एक देश तक सीमित है तो वो आपकी क्या है पैंडमिक है, और एक विशेष स्थान पर तो एडमिक है, और आपकी मतलब एक तरीके से पूरे विश्व में फैल चुकी तो उसको बोलते हैं आपका एपिडेमिक। नेक्स्ट है एनिमल दैट क्रेम्स क्रोसिल एंड लैगेक्स, इसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम
रेप्टाइल मतलब क्या है कि एक जानवर होते हैं आपने देखा होगा जैसे मगरमच्छ आपका छिपकली ये क्या है सब आपके रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं, इनमें क्या होता है इनके जो पैर होते हैं मतलब उनकी ज़्यादा क्या है खिसकते, और मतलब इस तरीके से उनको हम रेप्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कॉलरिंग मैटर ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लैनेट, यानी ये क्या होता है कलरिंग, मतलब जो आपने देखा पेड़ पत्ते जो होते हैं पेड़ की जो, तो आपने देखा उनमें ग्रीन ग्रीन जो होता है उसको बोलते हैं, सुनो आपका हम क्लोरोफिल बोलते हैं या उसको हम आपका पर्ण हिरम बोलते हैं, इसमें इसी भी ऐसे तो आपके जो पेड़ पौधे उनका कलर क्या है हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है 100th एनिवर्सरी, उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम सेंचुरी बोलते हैं उसको, यानी 100वां वर्ष। नेक्स्ट है केमिकल यूज फॉर सरफेस क्लीनिंग, ये क्या होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का काम क्या होता है, जो भी आपके कपड़े वगैरह होते हैं उनको क्या स्टूडेंट उनको हम साफ करते हैं, जो क्या है केमिकल वगैरह है अगर वो मतलब अगर मान लीजिए मैला है कपड़ा तो उसको हम डिटर्जेंट से क्या उसको हम साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज ऑथराइज टू एक्सक्यूट ए लीगल हेड, उसको बोलते हैं स्टूडेंट कार्यपाल, यानी उसको हम आपका एक्सक्यूटर बोलते हैं। एक्सक्यूटर इसका मीन्स क्या होता है, आपने देखा हॉलीवुड मूवी वगैरह में मतलब जैसे कि मान लीजिए उस समय के लिए मान लीजिए आपका राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति मतलब वो वहाँ नहीं होते हैं तो उनकी जगह पर क्या है कार्यपालक मतलब होता है वो जो मतलब उनकी अनुपस्थिति में क्या है काम को देखता है उसी को बोलते हैं आपका एक्सक्यूटर। नेक्स्ट ए डिसिपिट अपीयरेंस स्टेटमेंट और प्ली, ये क्या होता है स्टूडेंट के कोई भी इंसान अपने दिमाग में क्या बना दे उसको बोलते हैं हम आपका इल्यूजन, यानी उसको हम भ्रम बोलते हैं, यानी कि कोई भी दिमाग में मतलब वो कहते हैं ख्याली पुलाव बना लेता है कि ये सब मतलब ऐसा हो रहा है स्टेटमेंट कुछ भी मान लेता है मतलब बिलीव कर लेता है कि हाँ भाई कि ये ऐसा सब कुछ होने वाला है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है तो होगी उसके लिए, तो क्या उसमें मतलब एक तरीके से उसके दिमाग में क्या है भ्रम बना रखा है, उसने काल्पनिक एक दुनिया में वो जी रहा होता है। नेक्स्ट है समथिंग बीच प्रीवियस इंटरेस्ट और आपका अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम इंसेंटिव यानी प्रबोलन, ये तो आपने देखा होगा कि जैसे कहीं जॉब वगैरह पे आओ तो बोल देंगे भाई इंसेंटिव मिलेगा इसके अलावा इतना पैसा दिया जाएगा तुमको, और मतलब काफ़ी इंटरेस्ट मतलब बताया जाता है कि तुमको कैब मिलेगी खाना पीना मिलेगा ये खर्चा है ट्रैवलिंग का, तो ये क्या होता है इंसेंटिव मतलब किसी को क्या मतलब प्रोवाइड कराना इंटरेस्ट, मतलब कि हम कहें कोई जो कोई काम करने वाला है मान लीजिए तो उसको बोल देंगे भाई तुमको हम खाना खिलाएंगे और दिन में मतलब दोपहर में चाय वगैरह मिलाएंगे शाम को टाइम टाइम बैठे तो क्या मतलब इंसेंटिव दे रहे हैं उसको प्रबोलन दे रहे हैं उसको कि भाई आ और हमारे यहाँ काम कर तो उसको इतना सब कुछ। नेक्स्ट पर्सन हु इज बेल बेल वर्साइड इन लॉ, मतलब कोई भी इंसान है क्या उसको कानून की अच्छी तरीके से मतलब जानता है कानून को तो उसको बोलते हैं आपका हम जूरिस्ट, यानी जूरी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट ग्रुप होता है जिसमें जज होते हैं उसको जूरी बोलते हैं, तो ऐसे कोई व्यक्ति है उसको बोलता है जिसको हम बोलते हैं जूरिस्ट, उसको हम कानून को बोलते हैं जो आपका कानून के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। नेक्स्ट ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ मच एल्कोहलिक ड्रिंक, उसको हम आपका स्टूडेंट बोलते हैं आपका हम बायोलॉजिस्ट, यानी उसको हम शराबी बोल सकते हैं या आप उसको ड्रंक बोल सकते हो, यानी बहुत ज़्यादा क्या उसको शराब पीने की आदत होती है। नेक्स्ट ए सेट ऑफ टर्म्स, उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम अल्टीमेट यानी अंतिम शर्त, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं काम करने जाते हो प्राइवेट सेक्टर में तो आपको बोल दिया जाएगा भैया तुमको 8 घंटे काम करना है तुमको ये सब कुछ काम टाइम टू टाइम करना है, या कोई भी आप बिजनेस करते हो उसमें क्या है सब टर्म एंड कंडीशन, जैसे आप मोबाइल ऐप में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो उसमें टर्म एंड कंडीशन आती है, तो इसी तरीके से उसको क्या बोल जाते हैं उसको बोलते हैं टर्म आपका अल्टीमेट। नेक्स्ट है गवर्न बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या होती है स्टूडेंट ए गवर्नमेंट बाई द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है मतलब लोगों के द्वारा जनता जनता के द्वारा चुनाव हुआ जनता का प्रतिनिधि होता है जो जनता के लिए काम करता है उसमें हम उसको बोलते हैं प्रजातंत्र बोलते हैं उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट ए गोस्ट ऑफ वाइन, उसको बोला जाता है स्टूडेंट ड्रॉट, यानी उसको हम हवा का झोंका बोलते हैं। नेक्स्ट है ए सीक्रेट प्लेस, यानी सीक्रेट मीन्स क्या होता है जहाँ या बोले होली प्लेस, जहाँ पर क्या है हम बैठ के पूजा पाठ करते हैं या हम कोई आराधना करते हैं किसी भी उपासना करते हैं, ठीक है तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका सेंचुरी। नेक्स्ट है दैट कांट बी बर्न, जिसको न जलाया जा सके उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम इनकम्पोस्टेबल, यानी इसको जलाया न जा सके, बर्न मीन्स क्या होता है जलाना।
नेक्स्ट दैट कांट बी एक्सप्लेन, जिसका एक्सप्लेन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम अनएक्सपेंसिबल। इन एक्सप्लेन से आपको क्या है एक्सपेंसिबल बना दिया हमने इसको एडजेक्टिव बना करके, अवर्णनीय बोलते हैं इसको। दैट कांट बी वर्न, दैट कांट बी हर्ड, जिसको ना सुना जा सके। इसी मैंने शुरू में कराया था, जिसको सुना जा सके उसको हम ऑडियबल बोलते हैं, जिसको ना सुना जा सके उसको हम आपका इन ऑडियबल बोलते हैं। नेक्स्ट है जर्नी बाई सी, मतलब समुद्र की जो यात्रा करते हैं उसको बोलते हैं आपका वॉयस, यानी समुद्री यात्रा। नेक्स्ट है जजमेंट ऑफ ए कोर्ट, उसको बोलते हैं हम आपका हम डिग्री बोलते हैं, या हम फैसला, जैसे जज क्या है मतलब आप कोई भी क्रिमिनल है तो उसको क्या है सजा दे देते हैं, उसको उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि भाई ये काम हमने फैसला दे रहे हैं कि इसको सजा मिलेगी या इस पर हम कोई भी दंड लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं वो डिग्री बोलते हैं, उनका वो फैसला होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ए लीगल एडवाइज़र, मतलब कोई भी कानून के तौर पर हम सलाहकार रखते हैं उसको बोलते हैं आपको सॉलिटेटर, यानी कानून की सलाहकार। नेक्स्ट ए नोटिस बी सेंट बाय ए कोर्ट, कोर्ट के द्वारा अगर किसी को मान लीजिए कि कोई भी क्रिमिनल है क्या वो कोर्ट में अपनी पेशी नहीं दे पाता है, तो कोर्ट क्या उसको मतलब उसके घर पे एक बुलावा भेजता है, जिसको बोलते हैं आपका हम शम्मन्स बोलते हैं उसको हम बुलावा पत्र के, भाई अपने टाइम से टाइम आ जाना कोर्ट में, तेरी तारीख है नहीं तो हम तेरे अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे। नेक्स्ट ए लिस्ट ऑफ बुक एंड राइटिंग ऑफ ए ऑथर, उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम बायोग्राफी, बायोग्राफी ये क्या होता है ग्रंथ सूची, मतलब आप लाइब्रेरी वगैरह में जाओगे तो क्या करते हैं मतलब जितनी बुक्स हैं उनकी बुक्स के नाम हैं उनकी लिस्ट होती है, उनके राइटर कौन है या उनके लेखक कौन है, तो उनकी जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम बायोग्राफी। नेक्स्ट ए डोर विच ओपन इन टू रूम्स वाई नैरो पैसेज, ठीक है इसका मीन्स होता है एक दरवाजा होता है स्टूडेंट, क्या है वो एक मतलब बहुत ही सक्रिय दरवाजा मतलब होता है, तो उसको हम कॉरिडोर बोलते हैं आपका, हम उसको गलियारा बोल सकते हैं या आप उसको रास्ता बोलते हैं, मतलब कमरे से जाता है छोटी सी गली से जाती है उसको बोलते हैं आपका हम कॉरिडोर। नेक्स्ट ए लवर ऑफ गुड मील्स, मीन्स क्या खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका हम गॉरमेट, यानी पे टू, मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला है, मतलब अभी खाना खाया फिर तुमने मिठाई ला कर दी, मिठाई को खा ली और कुछ मिठाई ला कर दी उसको खा गया, तो इसको क्या बोलते हैं पे टू बोलते हैं, उसको हम आपका गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट ए पर्सन हु ब्रेक इनटू ए हाउस टू स्टील, इसका मीन्स होता है एक कुछ व्यक्ति आपने देखा हो जैसे कि आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो उसमें बोलते हैं ना सैन मार के घर से चोरी कर ले, तो क्या है कि जैसे आपका घर है और घर के पीछे से क्या है कुछ लोग आते हैं जो चोर होते हैं उनको बोलते हैं आपका हम वर्गलर, यानी सैन मारने वाले होते हैं, यानी घर में से ईंट की दीवार को निकाल लेंगे और वहाँ से आपके सामान क्या है वो चोरी कर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका सॉरी यहाँ पे हम वर्गलर यानी सैन मारने। नेक्स्ट ए पर्सन हु ब्रिंग गुड्स इलीगली, तो उसको बोलते हैं हम स्मगलर, स्मगलर उसको हम तस्कर बोलते हैं, जो तस्करी करते हैं ना उनको बोल के आते हैं कि तो भाई बड़ा बहुत बड़ा 420 आदमी है स्मगलर है तू तो ना, तो यही होता है। नेक्स्ट ए पर्सन हु मेक्स अ फिगर विथ स्टोन्स क्ले एंड ईटीसी, मतलब कोई व्यक्ति क्या है वो आकृतियाँ बनाता है स्टूडेंट, मतलब बहुत अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनाता है स्टोन से, यानी पत्थरों से और मिट्टी से, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम आपका स्कॉप्टर, यानी उसको हम आपका मूर्तिकार कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु परचेज गुड्स फ्रॉम ए शॉप, कोई व्यक्ति क्या है मतलब सामान खरीदता है इसी दुकान से, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम आपका कस्टमर बोलते हैं, या उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, उसको हम ग्राहक बोलते हैं। नेक्स्ट ए पर्सन हु वॉक इन स्लीप, यानी कि इसमें एक रूट पड़ा है स्टूडेंट आपका सोमना, ये यूज किया जाता है फॉर स्लीप के लिए, ठीक है जो नींद में मतलब क्या है चलता है, तो उसको बोलते हैं हम आपका हम सोमना बुलिस्ट यानी निद्राचार्य। नेक्स्ट ए पर्सन हु इंटरव्यू समवन, यानी कि एक व्यक्ति है मान लीजिए जैसे मैं आपके अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ तो आप तो इंटरव्यूअर हो गए, लेकिन मैं कौन हो गया इंटरव्यूअर, यानी मैं आपका क्या है इंटरव्यू ले रहा हूँ, यानी आपका मैं साक्षात्कार ले रहा हूँ और आप साक्षात्कार दे रहे, तो जो लेता है उसको बोलते हैं हम आपका स्टूडेंट इंटरव्यूअर। नेक्स्ट आपके ए पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक्स, यानी कोई व्यक्ति कई सारे आपने स्टूडेंट देखे अपने मित्र वगैरह देखेंगे तो वो क्या 24 घंटे बुक में मतलब पढ़ ही रहे हैं, मतलब लाइफ में उनको किताब के सिवा कोई ज़िंदगी नहीं है, तो उनको बोला जाता है बुक फॉर्म, यानी उनको हम आपका किताबी कीड़ा कहते हैं। नेक्स्ट ए पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, कोई भी व्यक्ति है मतलब पैसे को बड़ा सोच समझ के खर्च करता है, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट इकोनॉमिकल बोल सकते हो या आप उसको फ्रगल बोल सकते हो, यानी मित्र भी यही होता है, और या उसको आप कंजूसी बोल सकते हो, भैया सोच समझ के बड़ा पैसा खर्च करता है, आपके एक ना
कोई ना कोई दोस्त होगा ऐसा जो क्या है वो बहुत ही कंजूस होता है, और अगर कोई ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो उसको हम एक्स्ट्रा वेजेंट बोल देते हैं, यानी मित्र व्ययी। तो स्टूडेंट आज की क्लास थी यहीं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.